डॉक्टर राम राम भाई, मैं उत्तराधेशी पत्रकार धर्मो और भाई निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जो कि हमेशा सुर्खियां में राग रहे हैं और आज भाई हल्का बरोदा के कटवाल गांव में पहुंचे हैं और तम देख सको हो आड़े जनसभा का आयोजन कराया और भाई विवाद में रहने वाले नेता इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने की शुरुआत होगी है। पूछांगे के मामला है, किस तरह की गड़बड़ चल रही है, थोड़ा ही 100 ग्राम थोड़ी मन भी जगह दे दो जी, थोड़ा एक काम करो ये, हाँ थोड़ा कर लीजिए कष्ट, वो तो सारा रोड़ा कुर्सी का ही है। हाँ जी, हमारे दर्शक ने राम राम कर दो जी। राम राम जी, सभी को राम राम। अच्छा विधायक जी, एक बात है, आप तो बड़ी चाप पी लो हो और की चाप ऐतराज, किसकी चाप ऐतराज? प्रदेश अध्यक्ष वे राजनीति चाप पी हुए हैं, जहर बढ़ने की मारा भाईचारा तोड़न की चापी हुए, मैं तो भाईचारा बनाने की चापी तांडू हूँ। नहीं अच्छा एक बात बताओ विधायक जी, आप प्रचार प्रसार कर रहे हो और कैमरामैन जी कहूँगा मैं, चौकरदा दिखावा गांव बटला कर लिया भाई, तू थोड़ा सा लोवसी आ जा। हाँ तू कोई बात नहीं, मतलब जो इस छोरे की मैं अगर बात करूँ, यू को है कि भाई आप विकल्प तो दो, आप विकल्प दो भाई, मान लिया आपने न्यू तो कह दिया भाई खट्टर को सबक सिखाना है, विकल्प के है विकल्प बड़ौदा की जो ये बहादुर जनता है ना, ये बड़ौदा का किसान मजदूर और कमेरा वर्ग ये विकल्प ढूंढने के लिए तैयार हो चुका है। तो विकल्प अब तक क्यों नहीं पाया आपने, अब तक विकल्प नहीं मिला? देखिए ये काम इनका है, मैं तो इनको जगा सकता हूँ, मैं मलके का विधायक हूँ, ग्रामीण क्षेत्र का विधायक हूँ, मारी जो ना साथ लगता मेरा हल्का है, मैं साथ लगते हैं, मेरा गुआंडी हल्का है और मारी आड़ रिश्तेदारी जानकारी इतनी मारी आड़ है, मेरे अपने लोग हैं, अपने वो हैं, तो उनको जगाना मेरा एक फर्ज और कर्तव्य बनता है। आज जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है तो उस जिम्मेवारी को निभाते हुए मैं लोगों के बीच में हूँ और ये निश्चित रूप से इस तानाशाह सरकार का जो रवैया है आपने देखा होगा किस प्रकार इनके तानाशाह रवैये, मुझे भी पिछली बार जब जनवरी में मैंने वो आवाज उठाई थी, वो बड़े क्रम कांड घोटाले, वो रोहतक के मुंशी लाल पूर्व मंत्री के जो मैंने उजागर किए थे, मनीष ग्रोवर, उसके बाद मेरे ऊपर FIR दर्ज कराई थी रोहतक में। अब जो ये FIR दर्ज कराई है, ये लड़का रोहतक का ही है जिसको मोहरा बनाया है और ये उसी मनीष ग्रोवर का, मुंशी लाल का, और वो हमारा एक वो जो है उसने पपीता का है, हमारा हल्का है उसका चेला है यो, और उन नकर करा गई हो। मेरी जिंदगी में 25 साल से मैं इस लाइन में हूँ, कभी भी डिस्प्यूट किसी के साथ 1% भी नहीं हुआ। अच्छा विधायक जी, आपने को भैया जो दो लाइन है, एक तो भी किसान का MSP तय हो जी, एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला सिस्टम है इसमें सुधार हो जी, बिल्कुल, तो फिर आप BJP का समर्थन कर दोगे? ऐसा है, इसमें MSP का कानून बन जाए और उसको अपराध की श्रेणी में कर लिया जाए, रख लिया मान लो, सरकार जो है गारंटी ले ले किसान के फसल के जो पैसे की, कल कोई अगर बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेके खरीद के भाग जाते हैं तो उसका किसान को जो वो पैसे देने की वादा कर ले उसको गारंटी बनके लिखित में, जबानी नहीं, ये तो महा झूठे, इनकी जुबान पे किसी को कोई भरोसा नहीं है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट वो किसान के अनुसार वो एग्रीमेंट बने, ठीक बात। ये सारी चीजें जो जो है, मंडियों की छोटी मंडियां खत्म नहीं होगी, किसान की फसल को पूरी अगर प्राइवेट कंपनियां नहीं खरीदती हैं तो सरकार उस फसल को खरीदेगी, ये सारी गारंटी सरकार ले ले, उसके बाद तो लोगों ने देखना किसको वोट देने की। चलो विधायक जी, जैसे पिपली कांड की अगर बात करा जी, ठीक है, वो हमने बेरा पट गया था भाई, पिपली खतर जब आप लिकड़ो थे गिरफ्तार कर लिए थे जी, लेकिन अभी सिरसा भी नहीं पहुंचे आप। सिरसा जो है, सिरसा में मेरे पास मैसेज आ गया था, मैं कोई फोटो छुपवाने के लिए कहीं नहीं जाता, अखबार में छुपने के लिए नहीं जाता, मैंने अपनी पूरे दल बल को, पूरी टीम को जो है ना सिरसा भेजा, मैं रास्ते में था, किसान संगठनों के वहाँ से फोन आ गए, मेरे को रिक्वेस्ट की भाई साहब हमने निर्णय लिया है किसी राजनीति लोगों को हम स्टेज पे हम अवॉइड कर रहे हैं, राजनीति हो जाएगी। मैंने कहा स्वागत धन्यवाद, मैंने उस बात को ये नहीं समझा कि मैंने अपनी पूरी टीम को लगभग 500-600 मेरी 8-7 बसें वहाँ से भर के गई थी, ठीक है, पूरे दल बल के साथ। चलो तो मैं, मेरी लड़ाई किसान की लड़ाई है, मैं अपने लिए राजनीति, मेरे को तो महम के लोगों ने MLA बना रखे और आगे भी बढ़ा देंगे। विधायक जी, अलका बरोदा जो है इसके कितने गांवों में आपने बाढ़ा ले लिया, अब तक कितने गांव कवर कर चुके हो आप? मैं लगभग आज जो है बरोदा के 24वें गांव में हूँ और 2 गांव के प्रोग्राम इसके बाद गए हैं, तो इस प्रकार से लगभग हर रोज 3-4 गांव का मैंने प्रोग्राम रखा हुआ है और निश्चित रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि बड़ौदा के लोग इस बात से बिल्कुल जागरूक हो चुके हैं
और वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मनोहर लाल खट्टर भाजपा के उम्मीदवार की जमानत जब्त करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। विधायक जी आपने नहीं लगता की शब्द की एक गरिमा हो गया राजनीति में, आप शब्द की गरिमा भूल जाओ कई बार ऐसे। जिस तरह आपने जनसभा को संबोधित करा आपने न्यू कहा भाई गांव का बाड़ा न्यू लिख दो भाई पागल कुत्ता और भाजपा के नेता आड़ा गांव में नहीं पड़े। पागल कुत्ते को अंदर घुसने देगा कोई, कुछ काट जा बच्चे को हो जाए नुकसान। उसकी तुलना भाजपा के नेताओं के साथ, भाजपा आज पागल हो ही लग रही है, झूठ इतनी बोल रही है वो आज उसी जहर की तरह है जो पागल कुत्ते में होता है। तो आज जो बात मैं बोल रहा हूँ वो बात सच्चाई है, जो चीज हमारे समाज के लिए हमारे समुदाय के लिए जो आज एक भयंकर उसका आगे इस प्रकार के कार्यशैली उसकी है उसको रोकना हम सबका जिम्मेवारी बनती है। अपने भाषण में आपने गांव के जो कुवारे छोरे हैं उनकी भी चिंता होगी, क्या बात है? बिल्कुल, भाइयों का जब इनको रोजगार नहीं होगा वो नहीं कौन रिश्ते करेगा इनके, आगे इनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी कहाँ से मिलेगी। ठीक बात है। तो इनको एक एक आजकल, पहले हम तो चार चार होया करते, आजकल तो एक एक है, जो एक का घर ना बसेगा तो वंश के ऊपर चल जाएगा, चिंता कौन करेगा, पाकिस्तान थोड़ा ना करा, चिंता हमने करनी पड़ेगी। विधायक जी न्यू बताओ आप इन गाँव वाले ना जो आश्वासन देने लग रहे हो, जो कुआरे छोरे हैं उन्हें रोजगार की यानी कि नौकरी और छोकरी की जब बात करा और किसान ने जो उसका हक है वो दिलवाण की अगर बात करा, तो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, एक कहावत भी है ना आग्रह भाई एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो एक निर्दलीय विधायक कितना कुछ जुनून के साथ के कुछ कर सके है, के प्लान मास्टर प्लान किया है आपका? पॉजिटिव सोच के साथ अच्छी नीयत के साथ कभी कोई निकलता है तो कारवां उसके पीछे ही चलता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। राहें कठिन है, राहें कठिन है लेकिन सच्चाई की राहें जीत उसको। तीन तारीख का इलेक्शन है जी, तो आपका अपना समर्थित जो उम्मीदवार है उसकी उम्मीद उसकी एडी ठाठा गए, देखियो कैमरामैन थी कूंगा दिखा मैंने गेमू यहाँ एडी ठाठा के बाढ़ देखे हैं भाई बलराज कुंडू है नहीं अपने प्रत्याशी की घोषणा करके जाओ बता दो। मैं तो बड़ौदा की जनता उम्मीदवार देगी, मेरा कोई मेरी पार्टी दल नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट विधायक हूँ, बड़ौदा की जनता उसको देगी, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करूंगा, जिसको बड़ौदा की जनता मदद करोगे उसकी थोक के मदद करूंगा। आपने लाग गया बड़ौदा की जो जनता है उसके ऊपर आपने भरोसा है कि आपने बढ़िया उम्मीदवार दे देगी? बिल्कुल पूरा भरोसा है मैंने। चलो जी धन्यवाद जी, धन्यवाद। हम भी देखेंगे उनका आग्रह भाई, तेल देखो तेल की धार देखो भाई, गाँव के जो कुंवारे हैं और भाई गाँव का जो किसान है उनकी जो चिंता विधायक बलराज कुंडू ने जो जाहिर करी है उसके ऊपर बलराज कुंडू इनको के विकल्प दे पाऊंगे यू आन आला आजी अपनी बात कर ना मिलेगी ना जब बे तो कुंवारे हैं। हाँ जब तो कुंवारे हैं, सही बात है, नौकरी नहीं मिलेगी तो कुंवारे रहोगे भाई। तो ये आन आला बखत बताओगा कि जो ये उठा पटक का दौर चल पड़ा है बड़ौदा विधानसभा में और प्रचार प्रसार का जो एक जोश और जुनून आगे वो देखने में मिला है और तुम देख सको निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू को चारों ओर से समर्थकों ने भी घेर रखा है और एक उम्मीद भी रखे हैं अगर भाई निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू उनको एक अच्छा और मजबूत विकल्प देवेंगे। तो आने वाला जो मामला ही जो यू चुनाव है बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, मुकाबला चुकर होगा, द्विकोणीय होगा, अक त्रिकोणीय होगा वो आने वाला वक्त बताओगा, बाकी फिलहाल हमारे हिसाब से द्विकोणीय मुकाबला है। बाकी इस तरह के कार्यक्रम जाए देखने में आने लगे तो मामला कुछ भी हो सके भाई। बड़ौदा हल्के की और अपडेट खातर बने रहो संसार क्रांति के लिए, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, ठोको शेर, जय हरियाणा, जय भारत, जय जवान, जय किसान।